ये हरियाणा का इतिहास है। लड़की ये हरियाणा का आज है। पहली बार 900 से पार कर गया है, 905 का यह आंकड़ा पिछले दिसंबर मास का यह आया है। हजार बेटों में आज हरियाणा में 905 बेटियां हैं। करीब साल भर पहले 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने योजना लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे और बेटी में भेद करने से बीमारी से निकल जाना है। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। हरियाणा में योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर में एक बेटी को ही चुना गया, फिल्म एक्टर परिणीति चोपड़ा। एज अ गर्ल कुछ करने के लिए, फॉर द गर्ल चाहिए, ये आई थिंक बहुत सारे लोग इससे नहीं जुड़े हुए, तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है, सो आई फील वेरी वेरी प्राउड। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बेटियों को बचाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। जिस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में माँ के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती है। पिछले एक दशक में ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा में लिंगानुपात 900 के पार गया है। 2000 से लेकर और 2015 पिछले 15 वर्ष में अगर हम मासिक उसकी जो एवरेज है, मासिक जो उसका आंकड़ा है उस पर ध्यान करें तो पहली बार 900 से पार कर गया है, 905 का यह आंकड़ा पिछले दिसंबर मास का यह आया है। जीता जागता उदाहरण बना सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। हरियाणा में जींद के बीवीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान ने इस कैंपेन की शुरुआत की, जो न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन एक जुनून बन गया। सेल्फी हो तो बस बेटी के साथ, बिना बेटी सेल्फी बेकार।